सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर टल गई अयोध्या मामले की सुनवाई। अब 3 महीने बाद होगा नियमित सुनवाई पर फैसला। देश में राम मंदिर निर्माण को लेकर चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद पर नियमित सुनवाई को लेकर फैसला एक बार फिर से टल गया। सोमवार को अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई महज 3 मिनट में ही टल गई। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने अब इस मामले के लिए जनवरी 2019 की तारीख तय की है, यानी अब ये मामला करीब 3 महीने बाद ही कोर्ट में उठेगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई टालते हुए कहा कि जनवरी में इस मामले में उपयुक्त बेंच इस मामले की सुनवाई करेगा। उन्होंने इस मामले पर तुरंत सुनवाई के पक्षकारों की दलील को अनसुना कर दिया। दोनों पक्षकारों की नवंबर में सुनवाई शुरू करने की दलील को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले को जनवरी के लिए पहले हफ्ते के लिए टाला जाता है, तभी यह तय होगा कि कौन सी बेंच मामले की सुनवाई करेगी और सुनवाई की तारीख क्या होगी। कोर्ट ने कहा कि बेंच जनवरी में तय करेगा कि सुनवाई जनवरी में हो कि फरवरी या मार्च में। उधर कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। हिंदू पक्षकार संत धर्मानंद ने कोर्ट के आदेश पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ये सही नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि चुनाव को देखकर डेट नहीं बढ़ानी चाहिए, ये प्रॉपर्टी का मामला है, अब हमें इंतजार ही करना होगा, हमें आंदोलन नहीं करना है। हम चाहते थे कि इस मामले में जल्द निर्णय हो, ये हिंदू मुस्लिम का केस नहीं है। कानून बनाने की बात करने वाले जनता को भ्रम में डालते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर की पीठ ने आदेश दिया था कि विवादित भूमि के मालिकाना हक वाले दीवानी मामले की सुनवाई 3 जजों की पीठ 29 अक्टूबर से करेगी, लेकिन अब इस मामले पर सुनवाई एक बार फिर से टल गई है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।